ट्रेलर लॉन्च हुआ है और बहुत एक्साइटमेंट है. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ऐसा लग रहा है मैंने फिर से जन्म लिया है. मेरी जिंदगी में एक वापस एक नया दौर शुरू हो रहा है और ये चीज़ आपके बर्थडे पे बहुत अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड यू आर लुकिंग लाइक अ क्वीन एंड अ प्रिंसेस. थैंक यू सो मच. खास ड्रेस पहनी है आज आपने लगता है. हाँ मैं ऐसे मतलब इतने ग्लिटरी कपड़े पहनती नहीं आपको पता है पर आई जस्ट थॉट कि अभी कुछ नई अंकिता बनके मतलब निकला जाए. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. रियली आपने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया रीवैम्प कर लिया मेरे ख्याल. आई डोंट नो ये तो आप ही बता सकते हैं. अब मैं अलग लगने लगी हूँ तो मुझे नहीं पता इतना आइडिया नहीं लेकिन आई होप कि आप सबको मेरा लुक अच्छा लग रहा है. आज हमने आपको ट्रेलर लॉन्च पे देखा जी. एक अलग ही एंथुजियाज्म एक अलग ही चार्म था आपके और एक खुशी थी आपके मन में. मुझे ऐसा लगता है कौन खुश नहीं होगा इतनी बड़ी चीज़ किसी के साथ होगी. आई मीन यू नो मणिकर्णिका जैसी फिल्म का एक छोटा हिस्सा भी होना बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि द वे फिल्म इज़ गोइंग राइट नाउ एंड यू नो सारी लोगों से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका मैं अगर एक छोटा सा भी हिस्सा होती तो ये तो झलकर ही भाई है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन एंड आई एम होपिंग दैट जो मेरा कैरेक्टर है जो हमारी फिल्म है मणिकर्णिका वो सबको बहुत पसंद आए. आज आपका जन्मदिन पे किस किस को बुलाया आपने? बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके लिए. बस सरप्राइज़ है आप देखते रहिए आपको पता चल जाएगा. रानी लक्ष्मी बाई आ रही है. आप इस पर थोड़ा विचार मतलब आप थोड़ा वेट करिए आपको पता चल जाएगा. एक चीज़ और क्या गिफ्ट मिला है और क्या चाहेंगी आप अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर अगर आप बताना चाहें. सी ट्रेलर ऐसी चीज़ है जो जो ट्रेलर जो गिफ्ट मुझे कमल सर ने दिया है मैं इतना कहना चाहूँगी. कमल जय जो हमारे प्रोड्यूसर है उनकी वजह से ये मुझे चीज़ मिली है और उनकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट दिया है बिकॉज आई कैन सी द हैप्पीनेस कि मेरी मम्मी पापा आज की डेट में कितने खुश है व्हेन दे सॉ मी ऑन अ बिग स्क्रीन यू नो दिस ये जो चीज़ थी ट्रेलर. तो ये इससे बड़ी चीज़ खुशी इतने ये गिफ्ट मैंने अपने मम्मी पापा को दिया है. मुझे अब कुछ नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी टू सी देम हैप्पी दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अंकिता आपको याद है आपको कहा जाता था कि आप टीवी पे मधुबाला जैसे आप ही बोलते थे ये. वो कायम है फिल्मों में भी कायम रहेगा आपका जो कब्जा कर लेंगे आप फिल्मों. आपको क्या लगता है आप बताइए वोट कीजिए. वो टैलेंट है आपने लेकिन आपको लगता है इंडस्ट्री को भी आप फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही प्रभावशाली. मुझे ऐसा लगता है टैलेंट अगर है तो सब निकल जाएगा अगर नहीं होगा तो नहीं निकलूंगी फिर यहीं जो भी होगा देखेंगे. लेकिन मन में इच्छा क्या है आपके? नहीं 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 पूरा कंप्लीट क्लाइमेक्स चल रहा है. क्लाइमेक्स क्या है बोलो जल्दी बोलो. हाँ मैं बोल रहा था मन में क्या है आपकी क्या चाहती हैं और क्या कर गुजरना चाहती हैं? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ.